بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا أو تجفيدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم प्यारे बच्चों नाज़रीन किराम, इससे पहले हमने पढ़ा था ज़बर ज़ेर पेश की मश्क जिसे हरकात कहते हैं, और एक सबक और गुजरा है जज़्म जिसे सुकून या साकिन भी कहते हैं, वो पढ़ चुके हैं। आज हमें पढ़ना है हुरूफ मद्दा। मद मद के माने आते हैं खींचना, खींचने को मद कहते हैं। कुरान करीम में आप जहाँ भी पढ़ेंगे आमतौर पे एक इस तरीके का मद आया होगा और एक इस तरह वाला मद आता है। इसके माने में खींचना होता है, लेकिन इसकी क्वांटिटी क्या होती है, इसकी मकदार खींचने की कितनी होती है, कितना खींचना चाहिए, वो आगे जब ये सबक में आएगा तो बताया जाएगा। अभी हमें समझना इसे हरूफ मद्दा, यानी क्या हरूफ मद्दा। हरूफ मद्दा तीन है, हरूफ मद्दा तीन है। कौन तीन, कौन सा तीन तीन है? देखिए अलिफ वाव या, अलिफ वाव या, हरूफ मद्दा कितने हैं? तीन हैं, अलिफ वाव या। अब इन तीनों की पहचान क्या है, अलिफ की पहचान क्या है और वाव मद्दा की पहचान क्या है या मद्दा की पहचान क्या है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। और इसको बहुत ज़्यादा नहीं, एक अलिफ के बराबर खींचना चाहिए। अलिफ मद्दा की पहचान ये हमेशा याद रखिए, अलिफ मद्दा की पहचान ये होगी कि अलिफ से पहले, अलिफ से पहले कौन से लेटर है, अलिफ से पहले मैं बोल रहा हूँ, अलिफ से पहले बा है, बा के ऊपर जबर है। अलिफ मद्दा की पहचान हमेशा ये होती है कि अलिफ से पहले जबर हो, अलिफ से पहले जबर हो। ये अलिफ है, ये अलिफ है, अब अलिफ से पहले कौन सा लेटर आ रहा है, जबर। तो अलिफ से पहले जबर, ये अलिफ मद्दा की पहचान। जब अलिफ से पहले जबर हो, चाहे जो भी शक्ल हो, जैसे बा यहाँ लिखा गया है, ता हो, सा हो, जीम हो, शीन हो, या हो, खा, कोई भी लेटर, लेटर से कोई बहस नहीं है, ये जबर से बहस है कि अलिफ से पहले कौन सी हरकत आ रही है, जबर की आ रही है। अगर जबर की हरकत आ रही है तो अलिफ मद्दा हो जाएगा। ये बा ता सा हमें नहीं देखना, लेटर तो बदलता रहेगा, चेंज होता रहेगा हर्फ, लेकिन असल बहस ये है कि अलिफ से पहले ये हरकत कौन सी आ रही है, जबर की आ रही है, जबर की आ रही है, तो यहाँ पे होगा अलिफ मद्दा। और अलिफ मद्दा को कैसे पढ़ेंगे, थोड़ी सी आवाज उठा देंगे, जैसे एक लफ्ज पढ़े थे बा जबर बा, वो सिर्फ जबर था, यहाँ अलिफ के साथ आ इसकी थोड़ा सा मकदार खींचने की बढ़ जाएगी। बा अलिफ, अब चूंकि अलिफ मिल गया है, बा अलिफ जबर बा, मुँह खोल देंगे, बा अलिफ जबर बा, बा अलिफ जबर बा, मुँह खोल देंगे। अब यहाँ ये वाव, वाव मद्दा, अलिफ तो हो गया, ये वाव मद्दा। वाव मद्दा किसे कहते हैं, वाव साकिन, साकिन कहते हैं जिस हर्फ पे जज्म हो, साकिन कहते हैं जिस हर्फ पे जज्म हो, वाव साकिन। तो वाव, वाव पे जज्म है तो वाव साकिन, सीन पे जज्म है तो सीन साकिन, नून पे जज्म है तो नून साकिन, दाल पे जज्म है दाल साकिन, जिस लेटर पे भी जज्म आ जाए उसे साकिन कहते हैं। यहाँ पे वाव पे जज्म आया है, इस वाव को हम साकिन कहेंगे। और वाव साकिन से पहले पेश, अलिफ, अलिफ मद्दा की पहचान अलिफ से पहले जबर, और वाव मद्दा की पहचान यहाँ पे साकिन लगाना जरूरी है, बगैर साकिन के वाव मद्दा नहीं होगा। वाव मद्दा की पहचान वाव साकिन से पहले पेश, वाव साकिन यानी जज्म है वाव पे उससे पहले पेश, तो वाव मद्दा होगा। यहाँ भी इस लेटर से कोई बहस नहीं है, बा भी आ सकता है, सा भी आ सकता है, सीन भी, शीन भी, सौद भी, कोई भी हो, लेकिन हमें देखना कि वाव पे जज्म है, उससे पहले चाहे लेटर जो भी हो, हरकत किस चीज की है, जबर की है, ज़ेर की है, पेश की, नहीं पेश की है, जब पेश की हमें जबर हरकत मिली तो उसको हम कहेंगे वाव मद्दा। अब वाव मद्दा की मिकदार थोड़ी सी खींच के पढ़ेंगे, जैसे हमने पढ़ा था, फर्क याद रखिएगा, बा पेश भू, बा जबर बा, दोनों में फर्क क्या है, बा पेश भू, जल्दी पढ़ेंगे, इसकी मिकदार थोड़ी सी खींचने की ज्यादा हो जाएगी। बा वाव पेश भू, बा वाव पेश भू, बा वाव पेश भू। अब यहाँ ये या मद्दा की पहचान क्या है, या मद्दा की पहचान या साकिन से पहले से, या साकिन है उससे पहले कौन सा लेटर आ रहा, ज़ेर वाला लेटर आना चाहिए। चाहे यहाँ बा लिखा गया है, बा से बहस नहीं है, सीन आ जाए, शीन आ जाए, सौद आ जाए, ज़ाद आ जाए, तो आ जाए,
कोई भी लेटर हो, फर्क यह है कि या साकिन से पहले जेर आना चाहिए, या साकिन से पहले जेर, जब या साकिन से पहले जेर आ जाए तो या मद्दा। अब पहचान याद कर लिए, अलिफ मद्दा की पहचान अलिफ से पहले जबर, वाव मद्दा की पहचान वाव से पहले पेश, या मद्दा की पहचान या से पहले, या साकिन से पहले जेर। आप देखिए यहां पे सिर्फ पढ़ेंगे बाजे बी, इसको हल्का कीजिएगा बाजे बी, अगर या मद्दा है तो बा या जे बी, ठीक है। अलिफ मद्दा तीन है, हरूफ मद्दा सॉरी हरूफ मद्दा तीन है, अलिफ मद्दा वाव मद्दा या मद्दा। पढ़ना कैसे है, थोड़ा सा खींच के पढ़ना है। इसकी पहचान क्या है, अलिफ मद्दा की पहचान अलिफ से पहले जबर, वाव मद्दा की पहचान वाव साकिन से पहले पेश, या मद्दा की पहचान या साकिन से पहले ज़ेर। प्यारे बच्चों उम्मीद है आप समझ गए। अब इसी की एक्सरसाइज में बोर्ड पे लिखता हूँ, मैं पढ़ाऊंगा भी इंशाल्लाह और बताऊंगा कितनी मिकदार उसे खींचना चाहिए। जब तक आप ध्यान से पढ़िए, मैं जब तक बोर्ड पे लिखता हूँ। आइए बच्चों नाज़रीन किराम, मैं इसको बोर्ड पे लिख चुका हूँ, अभी सिर्फ हम पढ़ेंगे अलिफ मद्दा की पहचान, अलिफ मद्दा की पहचान उसकी एक्सरसाइज करनी, मश करनी है अलिफ मद्दा की, वाव मद्दा की, या मद्दा की बाद में, अभी सिर्फ अलिफ मद्दा। मैंने बताया था अलिफ मद्दा की पहचान, एक मतलब रिवाइज किए, अलिफ मद्दा की पहचान किया है अलिफ से पहले जबर, अलिफ से पहले जबर, अलिफ से पहले जबर, अलिफ से पहले जबर। लेटर कोई भी, उससे कोई बहस नहीं है, असल में होना चाहिए अलिफ से पहले जबर, कि जबर आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। चलिए इसको पढ़ते, इसकी आवाज थोड़ी सी ऊंचेगी, आवाज ऊंची होगी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمزة ألف زبر آ حمزة ألف زبر آ با ألف زبر با أواتي تا ألف زبر تا ثا ألف زبر ثا جيم ألف زبر جا حا ألف زبر حا خا ألف زبر दो हरफी तीन हरफी चार हरफी कैसे लेटर आते हैं, फिर इंशाल्लाह उसको पढ़ेंगे। जब तक इसको आप मश्क कीजिए।